पत्थर से तीर कमानते हैं। ये दोनों ही सेनाएं राणा अकबर की हल्दीघाट से लड़ती गोरिल्ला पत्नी यहाँ तक आती है। लड़ाई इधर समाप्त हुआ। इस गांव का नाम है सर खमनौर, हल्दीघाटी पहाड़ी है। पास में एक नदी है बनास, आधा किलोमीटर के गांव के बाहर बह रहा है बनास। हल्दीघाटी से नदी के किनारे तक फिल्टर सर 3 किलोमीटर रेंज है। 448 वर्ष पुरानी बात है। तो 448 वर्ष पहले गांव नहीं था, जंगल था ये सारा। जहाँ खड़े सर ये गार्डन है 10 बीघा में, ये लेक है, तालाब है जो बरसात का पानी इकट्ठाता है। तो छोटा तालाब है, इसको गांव की भाषा में तले ही कहते हैं। 450 वर्ष में पूरे फिल्टर में तो गांव बच गया, जंगल गिर गया। तालाब पे भी लोग अटेंड करने लगे तो गवर्नमेंट ने 17 वर्ष पहले 2004 में इस तालाब को गार्डन कर दिया। तो फील्ड के नाम से ये लेक बचा है जो ब्लड पॉइंट कहलाता है, रक्त तले गार्डन रूम है। बाकी फील्ड में गाँव बच गया, जंगल गिर गया, लेक ही बचा है। ये जो राइट वाली स्थिति बताई मैंने आपको, चार खंभे वाली, ऐसी यहाँ 5 समाधि है 400 वर्ष पुरानी, 5 समाधि है 400 वर्ष पुरानी, माणा प्रताप के सेनापति और साथी लोगों का, जो जहाँ वीर गति प्राप्त है उनका वही बना हुआ है। और राणा प्रताप के परिवार द्वारा उस वक्त इनका निर्माण करवाया जाता है। एक किले होता है, आप जो म्यूजियम जो गए तो बच्चे पढ़ते हैं, सबसे ये जो सामने रहते हैं कि हकीकत ये सर कि वहाँ आपको बताया गया माणा प्रताप और अकबर का जो सोल्जर शहीद हुआ हल्दीघाटी लड़ाई में, वो दोनों का मिला के म्यूजियम में आपको बताया गया 18,000 जो आर्टिफिशियल है। बाकी बच्चे पढ़ते हैं तो है, सत्य ये है कि ये विश्व का दूसरा युद्ध किला है, प्रथम पानीपत और सेकंड हल्दीघाटी सर। इतना भीषण था कि तोप नहीं उड़ा सकता, गोला बारूद है, इन्होंने तलवार से कारण डाला 6-7 घंटे में। 22,000 की सेना तो राणा प्रताप की थी, उसमें से 18,000 को उनकी वीर गति प्राप्त हुई। 22,000 में से 18,000, 80-85,000 का लश्कर अकबर का था, उसमें से 60-65,000 उसके मारे गोरिल्ला पत्नी में। वो कैसे कि अभी तो आपका फोर व्हीलर गाड़ी भी देता जो पहाड़ी काट के रास्ता बनाए, इस जमाने में 450 वर्ष पहले उस पहाड़ी में एक दुर्गम पगडंडी डर रहा था जिसमें से घुड़सवारी गुजरता। तो अकबर की सेना का पड़ाव तो था फील्ड में गार्डन दीजिए, और राणा प्रताप की सेना थी पहाड़ी के। अकबर का कोई भी घुड़सवार दर्रे में घुसता राणा प्रताप की सेना द्वारा मारा जाता। अकबर के हजारों सैनिक मारे गए गोरिल्ला पत्नी में। अकबर का सेनापति मान सिंह ना तो गोरिल्ला पत्नी लड़ पाया ना जीत पाया, तो वो धोखे से चाल चलता है और राणा प्रताप की सेना को पहाड़ों से निकाल के खुले फील्ड में लाता है। चाल ये होती है सर, कोई भी टुकड़ी युद्ध लड़ते हुए कदम टू कदम पीछे आती उसकी हार मानी जाती है। अकबर का सेना अपनी मान सिंह की यही चाल अपनाता है, तो लड़ते हुए कदम कदम पीछे आया। राणा प्रताप की सेना जोश से जोश में उसकी चाल न समझ पाई, अपनी जीत समझ गई, पहाड़ छोड़ के उनको खदेड़ती हुई यहाँ तक चली जाती। जो तो राणा प्रताप को रामचंद्र चौहान ने कहा था कि राणा जी पहाड़ी मत छोड़िए, लेकिन राणा प्रताप जीतते अड़ गए और उनको खदेड़ते हुए यहाँ तक चले आते। जैसे ही राणा प्रताप की सेना अकबर की सेना को खदेड़ती हुई हमनौर गांव तक खुले फील्ड में आती है, अकबर की एक सेना की टुकड़ी एडवांस में रहती बना सभी के पल्ले किनारे को। तो इधर तो अकबर का सेनापति था मान सिंह, जोधा का भतीजा, और इस टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला सेनापति था मेहतर खान, ठीक है ना। अकबर तो कहीं युद्ध में जाता नहीं था, लेकिन मान सिंह के इशारे पे मेहतर खान अचानक हमला कर देता है, झूठी अफवाह फैला के खुद महामहिम अकबर आगे लश्कर ले गए। ये अफवाह सुन के अकबर के सैनिकों के कदम जो उखड़ गए भग रहे थे वापस जम जाते हैं। अगर राणा प्रताप की सेना पहाड़ी नहीं छोड़ती थी इस युद्ध का निर्णय वहीं हो जाता, तो राणा प्रताप की सेना पहाड़ों में भारी पड़ गई और यहाँ अकबर की भारी पड़ गई। और एक दिन का युद्ध था, एक दिन में भी 6-7 घंटे का ओनली। 18 जून 1500 तक 448 वर्ष पहले सवेरे लड़ाई शुरू हुआ हल्दीघाटी, सवेरे राणा प्रताप और अकबर की सेना के बीच में, मध्यान्ह यानी दोपहर 2-3 बजे यहाँ समाप्त हुआ। तो ये 6-7 घंटे में 3 किलोमीटर में दोनों सेनाओं के राणा प्रताप और अकबर के 80-85,000 सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। इनके गांव से बेकर जो ब्लड खून गिरा जमीन पे, और जून का महीना था 18 जून 1500 तो पहला मानसून बारिश भी भीषण उसी दिन हो गया, तो कुछ नाले बन के आए खून के। तो उन नालों के विषय में हिस्ट्री में यह कहा गया तो उनके नाले इतने भारी थे कि उनमें 1.25 मण के पत्थर बेके आए थे, 40 सेंटी का मण था। तो नाले बन के आए खून के, सैनिकों के सौ गिरे तो सैनिकों की लाशों से और लाल रंग के पानी से उस वक्त ये तलाई भर गई, तो इसको खून का तलाई, रक्त तलाई कहा जाता है। आया समझ में? बेटे घोड़े का पैर कटता देखा ना आपने।